हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाई अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज. फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड. ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट दिया, नंबर ऑफ वुमेन्स दिया हुआ है तुमको. देखो बच्चों, मीन निकालना है तो इसका नाम क्या होता है अपने पास? XI, और इसका क्या होता है? FI. ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बना लेते हैं अपना? XI और FI. ठीक, XI कैसे निकलता था? दोनों को ऐड करके हाफ. तो देखो, अगर दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 133, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 66.5. कितने का डिफरेंस है? 3 का. तो हर बार 3 ऐड कर ले. ओके, तो इसमें कितने आ गए? 7 है ना, 84.5 आएगा लास्ट वाले का. ओके, अब देखो यहाँ पे सबकी फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं. 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2. अब देखो इसमें लगा लेते हैं अपना एज्यूम्ड मीन वाला प्रोसीजर. तो सेंटर वाला ये है, इसको क्या लेट कर लेते हैं हम लोग? ए. अब सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? डी आई किसके बराबर होता था? एक्स आई माइनस ए. तो देखो, इसको इससे माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा तुम्हारे पास. फिर कितना आ जाएगा? माइनस का 6. फिर कितना आ जाएगा? माइनस का 3. 0, 3, 6, 9. राइट. अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा? इसका और इसका मल्टीप्लाई. माइनस का 18, इसका होगा माइनस का 24, माइनस का 9. 0, 21, 24, 18. ओके, अब इसे ऐड कर लेते हैं. देखो ध्यान से, 18 से 18 गया, इससे गया. 21 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाता है? 12. ये तुम्हें ऊपरी दे के रखा है 30 वुमेन, तो ये कितना हो जाएगा? 30. अब देखो अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं. कितना फॉर्मूला होता है अपने सामने? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई. ए की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने? 75.5. एफ आई डी आई कितना निकाला है? 12. और ये कितना हो जाएगा अपने सामने? 30. देखो अब इसे सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, 3 से डिवाइड कर लेते हैं. तो 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 4. और इसे डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 10. अब इसे पॉइंट में लिख ले, 75.5. और ये कितना हो जाएगा? 0.4. ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 75.9. तो फाइनल आंसर कितना है? 75.9.